शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा ने मानव श्रृंखला बनाया। नारा लगाया गया, सीए के बदले शिक्षा दो, एनआरसी नहीं रोजगार दो। राजधानी पटना के मिलर स्कूल के ग्राउंड के सामने सड़क पर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाया। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ लाइन में आकर साथ दिया। इसके अलावा बिहार के अलग अलग जगहों पर श्रृंखला बनाया गया। गया में भी रालोसपा के बुलावे पर मानव श्रृंखला बना। आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर बिहार में बेरोजगारी और रोजगार के लिए आयोजन किया गया था। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने फिर एक बार ये बात दोहराई कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 शिक्षा में सुधार के मुद्दे पर होना चाहिए। हमारी कोशिश ये है इस कार्यक्रम के माध्यम से हम शिक्षा और रोजगार के विषय को फोकस में लाएं। विशेष रूप से हमारे साथ खड़े हैं वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी जी, हम इनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। महागठबंधन की जो दूसरी पार्टियां हैं, जगह जगह उनके कार्यकर्ताओं ने भी इस मानव कतार में हिस्सेदारी निभाई है, इसलिए तमाम लोगों का धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा मकसद यही था कि शिक्षा और रोजगार का जो सवाल है जन जन के बीच यह विषय जाए। विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाने के लिए हर प्रोडक्शन पार्टी बात हो। शिक्षा की स्थिति विगत कई वर्षों से बद से बदतर है, रोज खराब होते जा रहे हैं, रोजगार नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। पलायन आज भी जारी है। नीतीश जी जब सत्ता में नहीं थे उस वक्त बिहार भर के लोगों से नौजवानों से घूम घूम कर वादा कर रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो लोगों को यहाँ से क्राइम करके पेट पालने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन पहले की तुलना में क्राइम की समस्या और बढ़ी है। हमारा मानना है कि जब तक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था गरीब घर के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों में नहीं होगी और फिर रोजगार का ठीक से इंतजाम बिहार में नहीं होगा, तब तक बिहार के विकास की बात भी बेईमानी है। इसलिए हम बार बार शिक्षा के सवाल को, रोजगार के सवाल को उठाते रहे हैं और आज भी हमारे कार्यक्रम का यही मकसद था। हमने शुरुआत में जैसा कि कहा, संदेश बिल्कुल साफ है, जो शिक्षा रोजगार नौजवानों के लिए छात्रों के लिए शिक्षा और रोजगार की बात करेगा, सत्ता में जाने के बाद ईमानदारी से शिक्षा और रोजगार का इंतजाम करेगा, वही बिहार पर राज करेगा, वही बिहार पर शासन करेगा। यह साफ मैसेज है और इस दृष्टि से हमारा कार्यक्रम पूर्णतः सफल है। आगे भी इस विषय को मुद्दा बनाने के लिए हम निरंतर संघर्ष जारी रखेंगे। कार्यक्रम के बारे में रालोसपा के राष्ट्रीय युवा महासचिव रणधीर केसरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर आज पूरे बिहार के साथ साथ गया में मानव कतार लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार वास्तविक मुद्दा को न लेकर के दहेज, नशा मुक्ति, शराबबंदी, जल जीवन हरियाली को लेकर मानव श्रृंखला लगा रही है। इस बार भी हम लोगों ने शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर मानव कतार सरकार को दिखाने के लिए लगाया है कि देखें वास्तविक में जिस मुद्दा जो मुद्दा होना चाहिए बिहार में, वो मुद्दा से भटक के सरकार दहेज मुक्ति और शराबबंदी ये सब तो हाथ से जब नौजवान शिक्षित होंगे तो ये सब ऑटोमेटिक इसमें बदलाव आएगी, लेकिन जो मानव श्रृंखला होना चाहिए वो शिक्षा और रोजगार से होना चाहिए।